हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने संबंधी दोस्तों निर्देश जारी हुए हैं और ये निर्देश दोस्तों दिए गए हैं मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में कुलपति समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को और साथ ही निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज को। दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का कहर दोस्तों फिर बढ़ रहा है और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माह अप्रैल में प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान के संचालन विषयक निर्णय संबंधित कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। यदि स्थलीय परिस्थितियों के दृष्टिगत कुलपति एवं जिलाधिकारी द्वारा किसी शिक्षण संस्थान को किसी अवधि के लिए भौतिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो वह निम्न शर्तों के अधीन होगा। पहली बात, स्थानीय स्तर पर निर्धारित अवधि में कक्षाएं शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किए जाएंगे। दूसरी बात यहाँ हो रही, जिन संस्थानों में परीक्षाएं प्रयोगात्मक परीक्षाएं गतिमान हैं वहाँ पर निर्धारित परीक्षाएं प्रयोगात्मक परीक्षाएं यथावत संचालित की जाएंगी। समय समय पर निर्गत कोविड-19 SOP मानक संचालन प्रक्रिया, मास्क का अनिवार्य प्रयोग, शारीरिक दूरी बनाए रखना, परिसर को सैनिटाइजेशन एवं अन्य दिशा निर्देशों का सदैव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित अपेक्षित आचरण कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु समुचित उपाय किए जाएंगे। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व पूर्ण रूपेण सैनिटाइज किया जाए। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज कराने के पश्चात छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। परिसर में अंदर बाहर आने जाने वालों के लिए कतार का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए जिसमें 6 फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाए जाएं। बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। संस्थान में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखा जाए। क्लासरूम में छात्रों को 6 फीट की दूरी पर बैठाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। शिक्षकों, छात्रों, कार्मिकों के लिए रूमाल, टिश्यू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आंख, मुंह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक बनाया जाए। सफाई स्टाफ कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर, मास्क, धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान परीक्षा की हर पाली से पहले सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए। छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उनकी जांच कराई जाए और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए संस्थानों में सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार बिंदु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति प्रदान न की जाए। उक्त के अतिरिक्त गृह गोपन अनुभाग 3 के संलग्न पत्र दिनांक 26 मार्च 2021 में उल्लिखित टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल टीकाकरण का एवं उसके साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। भौदिया मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव। दोस्तों, कोविड-19 के वैश्विक कहर के दृष्टिगत ये प्रोटोकॉल है कि आपको विश्वविद्यालय में बच्चों को 6 फीट की दूरी पे पूरे सैनिटाइजेशन के साथ पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बच्चों की शिक्षा दीक्षा को देखते जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अ पॉडकास्ट।